आज जो लड़का मेरे साथ बैठा हुआ है इस वक्त, एक लड़की से मोहब्बत करी लेकिन उस लड़की ने इस लड़के का मिसयूज किया, इसके साथ एक सेक्सुअल रिलेशन कायम किया। मैं उन्हें लाइक करता था लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट है। ये जो सेक्सुअल रिलेशन था ये कायम हुआ 3-4 times। क्या उसके इस तरह के ताल्लुकात और लड़कों के साथ भी थे? जी बिल्कुल थे, मुझे मेरे साथ काम करने वाले दूसरे स्टाफ ने बताया। गलत है बहुत ज्यादा, अफसोस हो रहा है मुझे और शर्म भी आ रही है एक तरफ से के इस हद तक भी कोई इस चीज के लिए गिर सकता है कि वो अपनी लिमिटेशंस को भूल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ मामदरा। नाज़रीन, आपने इस तरह के केसेस बहुत कम देखे होंगे जिस तरह का केस मैं आज आपके सामने लेकर आने वाली हूँ। आपने अक्सर ये सुना होगा कि एक लड़के ने लड़की को यूज़ करके उसे धोखा दे दिया, उसे डिच कर दिया। अक्सर ऐसी चीज़ें आपके सामने आई होंगी, जो लड़के हैं वो लड़कियों का इस्तेमाल करते हैं, उनसे रिलेशन कायम करते हैं, उन्हें मोहब्बत का झांसा देते हैं और फिर इनको यूज़ करने के बाद, उनके साथ सेक्सुअल रिलेशन बनाने के बाद उनको छोड़ देते हैं। लेकिन आज जो केस मैं आपके सामने लेकर आई हूँ ये उसके बिल्कुल बरक्स है। आज जो लड़का मेरे साथ बैठा हुआ है इस वक्त, इसने एक लड़की से मोहब्बत करी और चाहा कि उसके साथ अपनी ज़िंदगी गुजारे, उसको अपनाए, उसके साथ रिलेशन में रहा, उसकी वजह से आज नशे का आदी बन चुका है। लेकिन उस लड़की ने इस लड़के का मिसयूज़ किया, इसके साथ एक सेक्सुअल रिलेशन कायम किया 3-4 times और उसके बाद इसको धोखा दे दिया, इसको छोड़कर चले गई। क्या कहानी है, क्या मामला है और किस तरह से ये नशे का आदी बना, किस तरह से उससे कनेक्टेड हुआ, किस तरह से फिर इनका जो मामला है वो ख़त्म हुआ, आइए जानते हैं। क्या नाम है आप? आशिर। आशिर, क्या कहानी है, किस तरह से चीज़ें जो है वो लाइफ में स्टार्ट हुई और किस किस तरह से बर्बादी तुम्हारी ज़िंदगी में आना शुरू? ये मेरी स्टोरी कुछ इस तरह से शुरू होती है। मैं माशाल्लाह एक पढ़े लिखे घराने का लड़का था, एक अच्छा वेल एजुकेटेड लड़का था। मैंने नर्सिंग करना स्टार्ट की तो तब मेरी कंडीशन ख़राब होने लग गई। मेरे साथ ऑन्कोलॉजी में डिपार्टमेंट में एक लड़की होती थी मैडम, मतलब वो मेरे साथ ड्यूटी करती थी। उनका पहले डिवोर्स हो चुका था, उनका एक बेटा भी था, लेकिन मेरे दिल के अंदर उनके लिए एक बहुत अच्छी ज़्यादा फीलिंग थी। मैं उन्हें लाइक करता था लेकिन फिर मुझे पता चला कि वो ड्रग एडिक्ट है, वो इंजेक्शन लगाती थी। उन्हें देख देख के मुझे भी ऑटोमेटिकली ना उसमें दिलचस्पी होने लग गया, मैं भी इंटरेस्टेड हो गया। उन्हें देख के मैंने भी वही इंजेक्शन वगैरह यूज़ करना शुरू कर दिए। एक दो दफ़ा मैंने उन्हें बोला कि मुझे आप अच्छी लगती हो या मैं आपके साथ मतलब अपनी लाइफ स्पेंड करना चाहता हूँ। उन्होंने कोई रिस्पॉन्ड नहीं किया। बाय द टाइम जैसे जैसे टाइम गुजरा, जैसे जैसे उन्होंने देखा कि मैं भी अब ड्रग्स का एडिक्ट हो रहा हूँ, तो उन्होंने मेरा मिसयूज़ करना शुरू कर दिया। उन्होंने अपनी नीड्स पैसे के लिहाज से, सेक्सुअल तौर पे और भी कई तरीके से उन्होंने अपनी नीड्स फिर से पूरी करना स्टार्ट कर दी। जब तुम उन्हें पसंद करने लगे थे, उसके बाद तुम एक रिलेशन में दोनों आने लग गए, जब तुमने उनसे खुले दिल से इजहार किया था कि तुम उन्हें अपनाना चाहते हो, उनसे शादी करना चाहते हो, तब उन्होंने मुझे मना किया था कि नहीं देखो मेरा एक बेटा है और मैं फ़िलहाल किसी रिलेशन के उसमें नहीं हूँ और आगे मैंने कुछ सोचा नहीं अपना फ्यूचर कि मैं आगे किसी के साथ शादी करूँगी या कोई भी ऐसा सिलसिला। उसने मेरे साथ मैंने प्लान किया था लेकिन उसने ऐसा कोई रिस्पॉन्स नहीं किया। सेक्सुअल रिलेशन तक जो है वो बात कैसे पहुँची और जब तुम लोगों के बीच में ये रिलेशन कायम हुआ, क्या दोनों की रजामंदी से हुआ? जी हम दोनों की रजामंदी से हुआ था। सेक्सुअल रिलेशन हमें ऐसे कायम हुआ, ना वो अपने सेंसेस में थी ना मैं अपने सेंसेस में था, तो इस तरह गुफ्तगू बढ़ती गई हमें और हम बहुत ज़्यादा फिजिकल हो चुके थे। कितनी बार तुम लोगों के बीच में ये जो सेक्सुअल रिलेशन था ये कायम हुआ? 3-4 times। दो दफ़ा दौरान ड्यूटी हॉस्पिटल में हुआ, ठीक है, और दो दफ़ा मैं उसे अपने घर पर ले कर आया।
अच्छा, मतलब वो उस वक्त इतनी होश में होती थी कि उसे पता होता था कि मैं क्या करने वाली हूँ, और जब मामला पूरा ख़त्म हो जाया करता था, जब भी उसके बाद जब वो होश में आती थी, नशा उसका उतर जाया करता था, जब भी उसको ये याद होता था कि उसके और तुम्हारे दरमियान क्या हुआ है। जी जी, उसको बिल्कुल सब कुछ याद होता था, उसकी रजामंदी से सब कुछ हो रहा है। इनफैक्ट अपने कपड़े तक उतार के उसने मेरे सामने खुद रखे हैं। जब 3-4 बार तुम लोगों का रिलेशन बना, उसके बाद पीछे कौन हटा पहले? उसके बाद पीछे वो हट गई, क्यों उसका मेरे से दिल भरने लग गया, मतलब अब उसका निशाना कोई और था कि मुझे इससे बढ़ के कुछ मिले, इसलिए उसकी दिलचस्पी मेरे से ख़त्म होती गई और वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे से दूर होते गई। क्या उसके इस तरह के ताल्लुकात और लड़कों के साथ भी थे? जी बिल्कुल थे। तुम्हें ये बात कब पता चली? मुझे मेरे साथ काम करने वाले दूसरे स्टाफ ने बताया कि इस लड़की को छोड़ो, इसके बारे में इसके साथ ज़्यादा गुफ्तगू नहीं रखो, ये ख़राब लड़की है। लेकिन कहते हैं ना कि एक जानवर के साथ आप टाइम गुजारो, उससे भी आपको प्यार हो जाता है। मुझे बहुत ज़्यादा उसके साथ दिलचस्पी हो गई थी, तो मैं पीछे हट नहीं पाया और मैं मज़ीद उसके पीछे ड्रग्स में घुसता ही चला गया। नशा भी उसने तुम्हें करवाना शुरू किया? उसने मुझे करवाना शुरू किया, और वो भी जस्ट सेक्सुअल टाइमिंग के लिए। कौन सा नशा करते थे? किन्स इंजेक्शन लगाता था, जो पेशेंट्स को ऑपरेट करने के लिए लगाया जाता है। इससे तो बॉडी सुन हो जाती है ना? सुन हो जाती है, सेंसेस काम करना बंद हो जाते हैं आपके। अगर आप फ़ोन पे लेट के जैसे बात कर रहे हैं ना, तो आप बात नहीं कर पाएंगे, आपके हाथ से बार बार फ़ोन गिरेगा, इतना ज़्यादा आपका मतलब सेंसेस ख़त्म हो जाते हैं, सोचने समझ के जैसे सलाहियत बिल्कुल ख़त्म हो जाती है। और वो भी यही सेम नशा करती थी? वो भी यही सेम नशा करती थी, लेकिन वो डोज मेरे से ज़्यादा हैवी लेती थी। मैं 3 cc का एम्प्यूल लगाता था, वो 5 cc का एम्प्यूल लगाती थी। इससे क्या मज़ीद नुकसान तुमने अपनी ज़िंदगी में अपनी ज़ात के लिए देखे? मैंने इसमें नुकसान ये देखे, मेरी फैमिली मेरे से डिस्टर्ब हो गई, मेरे रिलेटिव मुझसे डिस्टर्ब हो गए, मेरी स्टडी सारी डिस्टर्ब हो गई, और मैं खुद कम्प्लीटली अपनी लाइफ में डिस्टर्ब हो चुका हूँ। अगर मेडिकली देखें तो क्या क्या चेंजेस आई हैं नशा करने के बाद? चेंजेस ये है कि मेरी जो फिज़िकल ग्रोथ है वो कंप्लीट ख़राब हो चुकी है। मेरे लिवर में जैसे एक नॉर्मल बंदे में ग्रोथ होती है, मेरी में वो ग्रोथ नहीं हो रही। कितने अरसा तुमने लगातार नशा किया होगा? मैंने 2015 से लेके 2022 है, इसके बीच मैंने 10 दफ़ा इलाज करवाया, 11 दफ़ा, लेकिन मैं छोड़ नहीं पाया नशा। वो तुम्हारी लाइफ से कब गई? वो मेरी लाइफ से 2017 में गई। मतलब 2 साल तुम लोग साथ रहे? साथ हम लोग कुछ टाइम तक लिए रहे, मेरा ख्याल 6 से 8 महीने। उसके अलावा वो ड्यूटी पे थी, मैं भी ड्यूटी पे था, उसके बाद मैंने स्टडीज छोड़ दी। जब तुम लोगों के बीच में सेक्सुअल रिलेशन कायम हुआ था, तुम उसके बाद भी उसको अपनाने के लिए तैयार थे? मैं तैयार था बिल्कुल। मैंने आपको पहले भी बताया, मैं बहुत ज़्यादा उसमें इंटरेस्टेड था, लेकिन वो सिर्फ अपनी नीड पूरी कर रही थी। क्या चीज़ पसंद आई थी तुम्हें उसके अंदर, जो तुम इतना ज़्यादा उसके लिए पागल हो गए? ये चीज़ पसंद आई थी, एक तो वो क्वालिफाइड थी, दूसरा माशाल्लाह खूबसूरत थी, गोरी थी, भूरी भूरी आँखें थी। हर कोई भी नॉर्मल पर्सन है वो यही चाहता है कि मेरा लाइफ पार्टनर खूबसूरत हो, अच्छा हो, पढ़ा लिखा हो, बस मैंने भी यही चीज़ें देखी थी। लेकिन उसने सिर्फ तुम्हें यूज़ किया? उसने सिर्फ मुझे यूज़ किया। जो पैसों के हवाले से तुम्हें किस तरह से यूज़ किया उसने? पैसों के हवाले से उसने मुझे इस तरह से यूज़ किया यार कि मेरे को ये चीज़ की ज़रूरत है, मेरी सैलरी अभी नहीं हुई, मुझे इतने पैसे चाहिए, मुझे यहाँ जाना है, मुझे वहाँ जाना है, मेरे बेटे की तबीयत ख़राब है, इस लिहाज से उसने मेरे को पैसों से यूज़ किया। और उसका ज़्यादा रुझान जो था वो सेक्सुअली तौर पे था। अगर उसके लिए कुछ बोलना चाहो ऑन कैमरा? मैं उसके लिए यही बोलना चाहूँगा कि दोबारा किसी के साथ ऐसा ना करें, जिस तरह से मेरी ज़िंदगी ख़राब की है, किसी और की ज़िंदगी ख़राब ना करें, और अपनी ये जो गंदी आदत है इसको कंट्रोल करें। मुझे सुनकर और समझने की मैं कोशिश कर रही हूँ, लेकिन मेरे लिए मुश्किल है, क्योंकि मैं भी एक औरत हूँ, और मुझे तो अब तक सिर्फ यही लगता था कि ये जो चीज़ होती है ये सिर्फ मर्दों की जो है ना तलब होती है, और मर्द जो हैं वो इस चीज़ को अपनी नीड समझते हैं, नीड उनकी होती है। लेकिन मुझे बड़ी हैरत हुई आज ये सुनकर कि औरतें भी एक सेक्सुअल नीड रखती हैं ऐसी कि वो नाजायज़ ताल्लुक तक बनाने के लिए तैयार हो जाती हैं। बड़ी अफसोस की बात है, और
इस्लामी मुल्क में वो मुस्लिम थी जी, वो मुस्लिम थी, अहले तशरीअ थी। गलत है, बहुत ज़्यादा अफसोस हो रहा है मुझे और शर्म भी आ रही है एक तरफ से कि इस हद तक भी कोई इस चीज़ के लिए गिर सकता है कि वो अपनी लिमिटेशंस को भूल जाए, वो इस चीज़ को भूल जाए कि क्या हलाल है क्या हराम है। खुदारा इन चीज़ों को ना आप लोग करें, ज़िंदगी आपकी चंद दिन की है और आखिरत आपकी बहुत ख़राब हो जाएगी। माफ़ी नहीं है इन चीज़ों की, इन चीज़ों के लिए अपनी आखिरत ख़राब ना करें। ये वक्ती हैं, ये आर्जी हैं, खुदारा ऐसे गुनाहों से बचें प्लीज़। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियोस से बाखबर रह सकें।